अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इश्क मुर्शिद ड्रामे के बारे में ये बहुत ही सीरियस मसला है। मैं लाइक या सब्सक्राइब का बिल्कुल भी नहीं कहता। दरअसल मसला ये है कि मैंने एक हफ्ता पहले ही ये वाला वीडियो अपलोड किया था और ये वीडियो मैंने इश्क मुर्शिद ड्रामे में जो सॉन्ग चलाया जाता है उसके खिलाफ बनाया था, क्योंकि उस सॉन्ग में खुलेआम शिर्क किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाया था। मैंने ये सोचकर वीडियो बनाया था कि शायद लोगों की मुझे सपोर्ट मिलेगी और लोग मेरी आवाज बनेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनका जो ऑफिशियल चैनल है उस पर ये कमेंट करेंगे। यानी अगर 1,000-2,000 लगातार ऐसे कमेंट उनके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और बड़ा उनके लिए मसला बनेगा। हो सकता है कि ये गाना ड्रामे से रिमूव किया जाए या फिर इसको चेंज किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि मेरे ही मुसलमान भाई मुझे कमेंट करने लगे, ऐसे गंदे गंदे कमेंट करने लगे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिर वो किस तरह के कमेंट कर रहे थे मुझे। तो इस तरह के कमेंट मुझे आने लगे तो मैं हैरान रह गया कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने ये सोचा था कि लोग मुझे इस बात पे सपोर्ट करेंगे और वो लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन लोग मुझे ऐसे कमेंट करने लगे जैसे कि इस ड्रामे के खिलाफ वीडियो बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। जरा आप इस बात को सोचें कि मैंने वो वीडियो उस ड्रामे में चलने वाले उस सॉन्ग के खिलाफ बनाया जिसमें खुलेआम शिर्क किया जा रहा था। ना ही मैंने ये वीडियो उस ड्रामे को देखने वाली ऑडियंस के खिलाफ बनाया, ना ही मैंने उनको गालियां निकाली या ऐसा कुछ किया। मैंने सिर्फ उस गाने के खिलाफ वो वीडियो बनाया था, लेकिन लोगों की मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर वो क्यों मुझे नेगेटिव कमेंट करने लग गए। क्योंकि आप हमारे इस्लाम के बारे में तो जानते हैं कि कहीं पर अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो उसके खिलाफ लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, अगर आवाज भी नहीं उठा सकते तो उसको गलत तस्वर करो, उसको गलत मानो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे जो भाई मुझे कमेंट करने लगे थे मैं तो हैरान हूँ कि आवाज उठाना तो दूर की बात है, उसको गलत समझने के बजाय मुझे गलत कमेंट दिए गए। मैं तो हैरान हूँ यार कि ऐसे लोगों के बारे में आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।